नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बेलाडोना दवा के बारे में। बेलाडोना दवा दोस्तों प्लांट किंगडम की एक मेडिसिन है, यानी ये दवा एक पौधे से तैयार की जाती है। पौधे का नाम है डेडली नाइट शेड। इस दवा को डॉक्टर हैनीमैन ने प्रूव करा था। ये एक पोलिक्रेस्ट रेमेडी है। पोलिक्रेस्ट का मतलब होता है कि जो दवा हमारे शरीर के लगभग सभी ऑर्गन्स पे काम करती है। यानी ऐसा नहीं है कि ये पर्टिकुलर किडनी की दवा है या लीवर की दवा है या पेट की दवा है, ये हमारे शरीर के लगभग हर हिस्से पर काम करती है और इसके बहुत सारे सिम्टम्स हैं, इसलिए इस दवा को पोलिक्रेस्ट रेमेडी बोला जाता है। बेलाडोना दवा दोस्तों राइट साइड है, यानी इसकी जो ज़्यादातर कंप्लेंट्स है बेलाडोना में वो राइट साइड आती है, यानी दाहिने तरफ। अगर आपको हेड पेन हो रहा है तो राइट साइड आएगा, बाजू में दर्द है तो राइट साइड आएगा, किडनी स्टोन है तो राइट साइड आएगा, लीवर हमारे राइट साइड होता है तो ज़्यादातर लीवर की कंप्लेंट्स के अंदर, या हर्निया हो जाए या अपेंडिसाइटिस हो जाए, इन सारी कंडीशंस के अंदर जहाँ पे राइट साइडेड कंप्लेंट्स होती हैं वहाँ पे ये दवा बहुत ही ज़्यादा अच्छा काम करती है। ऐसा हो सकता है कि कोई बीमारी आपको राइट साइड आए उसके बाद आपको लेफ्ट साइड में चली जाए, यानी आपको सिर दर्द राइट साइड ही हो रहा है। पेशेंट बोलता है कि सर मेरा आधा दर्द होता है और सिर्फ राइट साइड का होता है, तो ऐसी कंडीशन में हम बेलाडोना के बारे में सोच सकते हैं, लेकिन हमें बाकी सिम्टम्स को भी कंसिडर करना पड़ता है। बेलाडोना की एक बहुत अच्छी पहचान क्या है कि बेलाडोना के अंदर जो सिम्टम्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा वायलेंट होते हैं। ये वायलेंट वायलेंट आपने सिम्टम कई बार सुना होगा बेलाडोना की, जब भी आप बात करते हैं ना सारे डॉक्टर बोलते हैं कि वायलेंट होता है, लेकिन वायलेंट होता क्या है? वायलेंट होता है अचानक से, सडन से, यानी आपको अगर कोई भी तकलीफ आएगी ना तो ऑल ऑफ सडन आएगी, अचानक। जैसे ही आप बैठे हो आराम से, 2 मिनट 3 मिनट के अंदर 4 मिनट के अंदर दर्द धीरे 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 बढ़ता बढ़ता एकदम से 4-5 मिनट के अंदर आपका दर्द बहुत तेज़ हो जाएगा, यानी बहुत पीक लेवल पे चला जाएगा, और वो दर्द थोड़ी देर के लिए रुकेगा, यानी 10 मिनट 15 मिनट 12 मिनट, और उसके बाद वो दर्द एकदम से गायब हो जाएगा। यानी बेलाडोना की ये पहचान है कि इसमें कोई भी तकलीफ, अकेला सिर दर्द की बात नहीं कर रहा हूँ, वो एक एग्जाम्पल था, कोई भी तकलीफ अचानक आती है, सडन आती है, थोड़ी देर रुकती है और अचानक चली जाती है, ये बेलाडोना की पहचान है। बेलाडोना में वायलेंट जो स्पीड होती है वो बहुत तेज़ होती है। जैसे मान लो फीवर आया, पेशेंट नॉर्मली बैठा है कोई इंसान, और 5-7 मिनट 10 मिनट के अंदर अंदर उसको ऐसा लगेगा कि यहाँ बॉडी में कुछ चेंजेस आया, थोड़ी थोड़ा शरीर गर्म हो रहा है, और 10 मिनट के अंदर आप चेक करोगे तो 102 103 फीवर होगा उसको, यानी 102 3 4 तक पहुँच जाएगा, और थोड़ी देर के बाद फीवर एकदम से उतर जाएगा। मतलब आने की स्पीड भी बहुत तकड़ी होती है और जाने की स्पीड भी बहुत तेज़ होती है, और थोड़ी देर के लिए रुकता है। ये बेलाडोना की पहचान है, इसी से बेलाडोना को पहचाना जाता है। मान लो अगर दर्द हो रहा है ना बेलाडोना को, सिर दर्द हो रहा है, बैठे हो दर्द होने लग गया, मतलब इतना तेज़ दर्द होगा ना, वायलेंट स्पीड से दर्द होगा, स्पीड ज़्यादा होगी, इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा होगी, यानी इतना ज़्यादा वायलेंट पेन होगा, इतना ज़्यादा तेज़ दर्द होगा कि पेशेंट बोलेगा सर मेरे को ही पता है वो 10 मिनट मैंने कैसे निकाले, क्योंकि ऐसे लग रहा था जैसे सिर फट जाएगा, ऐसे लग रहा था जैसे मैं मर जाऊँगा, अब सहन नहीं होगा, इंसान पागलपन वाली कंडीशन में आ जाता है, इतना तेज़ दर्द होता है। मतलब वो 10 मिनट उसके लिए बहुत ज़्यादा क्रूशियल होते हैं, लेकिन वो आएगा उतनी देर के लिए। इसी को हम बेलाडोना से मतलब कंपेयर करते हैं कि बेलाडोना की ये पहचान है। अगला दोस्तों डेलिरियम की कंडीशन, जैसे कोई पागलपन की कंडीशन होती है उसमें भी पेशेंट बहुत ज़्यादा वायलेंट हो जाएगा, उठ के भागेगा, मतलब कंट्रोल नहीं होगा किसी से, इसके बारे में आगे बात करूँगा। बेलाडोना डेलिरियम में भी बहुत अच्छा काम करती है, यानी जहाँ पे वायलेंस बहुत ज़्यादा हो, जहाँ पे स्पीड बहुत ज़्यादा हो, इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा हो, ये बेलाडोना की पहचान होती है। जैसे मैं आगे सिम्टम्स के बारे में बात करूँगा तो आपको ये समझ आता जाएगा, इसलिए मैंने इसको पहले क्लियर कर दिया। रेडनेस एंड हीट, यानी फीवर के दौरान, खांसी के दौरान, जुकाम के दौरान, दर्द के दौरान बेलाडोना की बॉडी पूरी हीट हो जाती है, या चेहरा पूरा सेक मारने लग जाता है। मान लो आपको दर्द हो रहा है, सिर में दर्द हो रहा है, सिर में दर्द के दौरान आपका जो दर्द है ना, फेस है, मतलब जो आपका हेड है और आपका जो फेस है वो पूरा हीट हो जाएगा, मतलब आपको ऐसे लगेगा जैसे सेक निकल रहा है उसके बीच में से, और पूरा चेहरा लाल हो जाएगा। ये बेलाडोना की पहचान है, रेडनेस एंड हीट, ये बेलाडोना की पहचान है। तो आप 2-3 चीज़ों को याद रखेंगे कि राइट साइड रेमेडी है, वायलेंट स्पीड से आता है, बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी के साथ आता है, और साथ ही साथ आपको रेडनेस और हीट आपको मिलेगी ही मिलेगी, हर कंप्लेंट के अंदर मिलेगी। अब मैं आके जब बात करूँगा तो आपको ये समझ आएगा कि ये मैंने पहले आपको क्यों एक्सप्लेन कर दिया था, कि आपके लिए ईजी हो जाए सारे सिम्टम्स को समझना। हर बॉडी के पार्ट में जब भी कोई तकलीफ आएगी तो ये सिम्टम कॉमन रहेंगे। सबसे पहले दोस्तों हेडेक, हेडेक के बारे में बात कर लेते हैं। राइट साइड डी हेडेक है, राइट साइड तकलीफ आएगी, ये मैंने पहले बता दिया। वायलेंट आएगा, मतलब स्पीड से आएगा, ज़्यादा देर तक नहीं रुकेगा, मतलब थोड़ी देर रुकेगा, स्पीड से आएगा, स्पीड से चला जाएगा,
और जब दर्द होगा तो वो दर्द के दौरान जो कंडीशन होगी ना वो बहुत ज़्यादा क्रूशियल होगी। मतलब टस टस करके इतना तेज़ दर्द होगा और ऐसे लगेगा कि जैसे सिर फट जाएगा, चेहरा पूरा लाल हो जाएगा, सिर से सेक निकलने लग जाएगा, पर एक्सट्रीमिटीज कोल्ड रहेंगी, यानी आपके हाथ और पैर ठंडे रहेंगे, आपका सिर जो है और चेहरा जो है वो पूरा गर्म रहेगा। ये बेलाडोना की पहचान है सिर दर्द के अंदर। बाकी सिम्टम्स मैंने आपको पहले से एक्सप्लेन कर दिए। सिर दर्द जो है वो आगे झुकने से बढ़ेगा। जैसे आप आगे की तरफ झुके तो आपको ऐसे लगेगा पेशेंट को कि जैसे सारा का सारा सर्कुलेशन सिर में आ गया, वो ब्लड का सारा का सारा सिर ब्लड के ब्लड जो है वो सिर में आके इकट्ठा हो गया और जैसे सिर फट जाएगा। लेटने से भी यही स्थिति होगी उसके साथ, उसको ऐसे लगेगा कि जैसे सारा ब्लड सिर के अंदर चला गया और सिर फट जाएगा। एक और बेलेडोना की पहचान है, अगर आप इसको तो अब कोई भी पकड़ सकता है, जब भी दर्द होगा ना दर्द के दौरान पेशेंट ऐसे इस तरह की रिएक्शन करेगा, इसको हम बोलते हैं मोनिंग। फीवर के दौरान, पेन के दौरान अगर पेशेंट मोनिंग कर रहा है, मोन कर रहा है, करा रहा है, ये बेलाडोना की पहचान है। सिंगल दवाई है बेलाडोना। अगर पेशेंट दर्द के दौरान, फीवर के दौरान, जुकाम के दौरान या कोई भी तकलीफ के दौरान, बॉडी का कोई भी हिस्से का कोई भी दर्द हो, जैसे पेट में दर्द हो, सिर में दर्द हो, कहीं का दर्द हो, कोई तकलीफ हो और उसके दौरान बच्चा है, बड़ा है, वो करा रहा है, मोर्निंग कर रहा है, तो सिंगल दवाई है बेलाडोना। अब हम बात करते हैं आइज की, आंखों के सिम्टम्स की। आइज के अंदर दोस्तों अगर आपको कोई एलर्जी होगी हो, कोई कंजक्टिवाइटिस हो गया हो, आपको जुकाम हुआ हो या कोई भी तकलीफ हुई हो, इसकी वजह से आपकी आंखें पूरी लाल हो गई, पूरी लाल, आंखों में बहुत तेज चुभन हो रही है, आंखों में टस टस जैसा बहुत तेज दर्द हो रहा है और आंखों से पानी बह रहा है कंटिन्यूसली, और पहचान के आंखें पूरी लाल हो गई हैं, आपको देखने से ऐसे लगे कि पूरी लाल आपकी आंखें हो गई हैं, तो ऐसी कंडीशन में बेलाडोना बहुत अच्छा काम करती है। बेलाडोना एक्यूट इन्फ्लामेशन, रेडनेस, हीट, जहाँ पे दर्द हो, चुभन हो, सेक निकल रहा हो और लाल हो जाए कोई ऑर्गन, स्पेशली आंखें भी, तो बेलाडोना बहुत अच्छी दवाई। अगला है पेट दर्द के अंदर, यानी एब्डोमिनल पेन हम बोल सकते हैं, राइट साइडेड तकलीफ के अंदर, जैसे आपको इंग्वाइनल रीजन में पेन हुआ, अपेंडिसाइटिस हुआ, हर्निया हुआ, या कोई भी तकलीफ के अंदर, जैसे आपको राइट साइड किडनी स्टोन हो गया हो, लीवर के अंदर कोई पेन हो गया हो, कोई भी इन्फेक्शन के अंदर, एक्यूट इन्फेक्शन के अंदर अगर आपको एकदम से सडन यानी अचानक से दर्द होना शुरू हो गया, आप बैठे थे, आराम से बैठे हो, 10 मिनट के अंदर, 5 मिनट के अंदर आपको फील हुआ कि यार पेन हो रहा है, और 2-4 मिनट के बाद तो इतना तेज हो गया कि आप समझ ही नहीं पाए कि उठ के कब डॉक्टर के पास जाऊँ, मतलब ऐसी स्थिति हो जाए कि वहाँ पे 4-5 मिनट के अंदर आप जब सोचे कि चलो थोड़ा सा हुआ होगा, ठीक हो जाएगा, तब तक तो वो पेन अपने पीक पे चला जाएगा और पेशेंट तड़पेगा उस दर्द के अंदर, चाहे वो दर्द थोड़ी देर के लिए रुके लेकिन वो दर्द उसको याद दिलाएगा कि वैसा दर्द दोबारा ना हो जाए, इतना डर जाएगा पेशेंट, इतना तेज़ दर्द होगा, और जहाँ पे दर्द होगा वहाँ पे इन्फेक्शन होगा, इन्फ्लामेशन होगी, सूजन आ जाएगी, जकड़न आ जाएगी, वो हिस्सा इतना हार्ड हो जाएगा कि उसको आप थोड़ा सा भी टच करोगे ना तो पेशेंट कराएगा, बहुत ज़्यादा स्वेलिंग आ जाएगी, उसको टेंडरनेस हो जाएगी, स्पेशली अपेंडिसाइटिस में, स्टोन में, एक्यूट कोई भी इन्फेक्शन इन्फ्लामेशन के अंदर, ये तरह की चीज़ें आपको कॉमनली मिल जाएगी, और ज़्यादातर तकलीफ राइट साइड में आती है, यही सिम्टम अगर आपको लेफ्ट साइड मिले तो भी आपको छोड़ना नहीं है, अगर यही सेम सिम्टम मिलते हैं कि इतनी ज़्यादा टेंडरनेस है, सडन है, वायलेंट आ रहा है, तो आप इस सिम्टम को कंसिडर कर सकते हैं, यानी बेलाडोना को कंसिडर कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि लेफ्ट साइड की कोई तकलीफ में बेलाडोना में देनी नहीं है, बाकी सिम्टम्स भी हमें देखने हैं, लेकिन राइट साइडेड में हमारी प्रायोरिटी बेलाडोना रहेगी। नेक्स्ट है दोस्तों, अगर आपके मुंह के अंदर या गले के अंदर छाले हैं, अंदर से सूजन आ गई है, इन्फ्लामेशन आ गई है, लाल हो गया है पूरा, तो बेलाडोना बहुत इफेक्टिव दवाई है। पेन हो रहा है, आप कुछ निगल नहीं पा रहे हो, कुछ खा नहीं पा रहे हो, तो बेलाडोना बहुत अच्छी दवाई है। एक चीज़ और ध्यान रखनी है, अगर आपको हवा लगने के कारण, जैसे आपने बाइक पे ट्रेवल किया या कहीं भी आपको ठंडी हवा लगी, हवा का झोंका लगा, ठंडी हवा लगी और उसकी वजह से आपके टोनसिल्स बढ़ गए, आपको फीवर आ गया, आपको खांसी आ गई, आपको जुकाम होने लग गया, तुरंत छींकें शुरू, ऐसा नहीं है कि हवा लगी आपको सुबह और आपको बुखार आ रहा है शाम को, डॉक्टर पूछ रहा है कि आपको क्या हुआ कि सर मैंने बाइक पर ट्रैवल किया, शायद हवा लग गई, तो कब की बात है कि वो तो कल की बात है, ऐसा नहीं, जैसे ही आपको हवा लगी 15-20 मिनट के बाद आपको फीवर तुरंत शुरू हो जाएगा, मतलब इसमें कंप्लेंट कोई भी आएगी ना तो वायलेंट स्पीड से आएगी,
ऐसा नहीं है कि आपने ठंडा पानी पिया कल और तकलीफ़ आ रही है आज, ऐसा नहीं। जैसे आपने ठंडा पानी पिया 20 मिनट के बाद आपको पता लग जाएगा कि हाँ मेरे को दिक्कत आ गई। तो वो जो वायलेंस है ना, वो जो स्पीड है ना, वो सडननेस जो है, वो बेलाडोना की पिक्यूलियर है। जैसे आपको ठंडी हवा लगी, आप घर भी नहीं पहुँचोगे उससे पहले आपको फीवर आ जाएगा, ठीक है, उससे पहले आपको खांसी शुरू, मतलब इतनी तेज़ खांसी, इतनी तेज़ खांसी, इतना सडन अचानक अटैक आएगा, चाहे वो 2 मिनट के लिए आए, 5 मिनट के लिए आए, पर वो जो 2, 4, 5 मिनट इतनी खांसी आएगी कि आपको सांस लेने तक का टाइम नहीं मिलेगा और फिर रुक जाएगी एकदम से। ये जो एकदम से आना, एकदम से चला जाना, ये बेलाडोना की खास बात है। नेक्स्ट है दोस्तों टंग। अगर आप जीभ देखोगे बेलाडोना के पेशेंट की, तो बिल्कुल ड्राई होगी और लाल होगी पूरी, ये पहचान है बेलाडोना की टंग की। फीमेल के अंदर हम देखते हैं कि प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस के अंदर, जैसे बाहर पड़ना, महिलाओं में ऐसे लग रहा है जैसे यूट्रस है ना वो बाहर आ जाएगा, और जो नीचे की फीमेल जेनेटल ऑर्गन्स है वो सारे के सारे ऐसे लग रहा है जैसे नीचे की तरफ प्रेशर डाल रहे हैं। जैसे ही पेशेंट खड़ा रहेगा उसको ऐसे लगेगा जैसे सारे के सारे जो ऑर्गन्स हैं वो बाहर आ जाएंगे, बहुत मुश्किल से कंट्रोल होता है। तो ये प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस के अंदर लिलियम टिक, म्यूरेक्स और सीपिया बहुत इफेक्टिव दवाई है। इसके बारे में डिटेल में सीपिया में बात करूंगा, जो अगली मेडिसिन में सीपिया पे जब वीडियो बनाऊंगा तब उसका मैं बेलाडोना के साथ कंपेयर जरूर करूंगा, ताकि आपको समझ आ जाए कि प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस में इन चारों दवाइयों में से कब हमें कौन सी दवाई देनी है। नेक्स्ट है दोस्तों डेलीरियम की कंडीशन। डेलीरियम होता है दोस्तों पागलपन, सेकेट्रिक डिजीज होती है ना। तो सेकेट्रिक डिजीज में क्या होता है कि उसको ऐसे लग रहा है भूत दिख रहा है, या कोई कुत्ता दिख रहा है, बिल्ली दिख रही है, कोई जानवर बड़ा दिख रहा है उसे उड़ रहा है, या कोई ऐसे फेसेस दिख रहे हैं उसको जैसे कोई है पीछे पर उसको समझ नहीं आ रहा कि कौन है। कभी उसको ऐसे लगेगा भूत है, कभी को ऐसे लगेगा खा जाएगा मार देगा, इस तरह की कंडीशन जो साइकेट्रिक डिजीज होते हैं ना, इल्यूजन्स होते हैं उसको, हेल्यूजिनेशन होता है उसको, उसको दिखता है कि कुछ है। ऐसी कंडीशन से बचने के लिए वो क्या करेगा, घर से भागने की कोशिश करेगा। जब आप उसको रोकोगे, बांध के रखना पड़ेगा, आपको कंट्रोल नहीं होगा, इतना ज़्यादा जोर पता नहीं कहाँ से आ जाएगा उसमें, जोर जोर से हंसना, जोर जोर से चिल्लाना, अगर आप उसको रोकोगे तो आपको काट लेगा या आपको सामने से आप पे अटैक करेगा। इस तरह के सिम्टम वायलेंट होंगे, एकदम से पेशेंट ठीक रहेगा और एकदम से उसको ऐसा लगेगा जैसे कोई आ गया और वो भागेगा, आप उसको रोकोगे, मतलब ये आपने देखा होगा साइकेट्रिक डिजीज के अंदर ऐसा होता है। अगर आपके परिवार में कोई है, रिश्तेदारी में, परिवार में, दोस्तों में ऐसा किसी के साथ हुआ है, तो आपको ये लगेगा जैसे इसमें भूत प्रेत आ गया, कोई आत्मा आ गई इसके अंदर, ठीक है, कोई आत्मा का साया इसमें, आप बाबा के पास या तंत्र के पास आपको लगेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता, वो एक साइकेट्रिक डिजीज होती है। साइकेट्रिक डिजीज के अंदर माइंड के अंदर इस तरह के एल्यूजन्स बनते हैं कि जिससे पेशेंट उस चीज़ से डरने लग जाता है और फिर उसके अंदर इतना जोर आ जाता है कि उसको कोई कंट्रोल करता है तो कंट्रोल नहीं होता वो, फिर हमें ये लगता है कि हमें बाबा के पास या किसी तांत्रिक के पास जाना चाहिए, इसके अंदर इस तरह की उल्टी सीधी कोई चीज़ें होगी। तो ऐसा कुछ नहीं होता है, वो एक डिजीज़ होती है। और बेलाडोना की ये पहचान है कि वो चीज़ आपको अचानक से होगी, ऐसी ऐसी कंडीशन में हमें हाई पावर में बेलाडोना देनी होती है ताकि वो जल्दी कंट्रोल में आ जाए। नेक्स्ट है दोस्तों कहीं भी कोई इन्फ्लामेशन हो जाए। इन्फ्लामेशन तो देखो बॉडी में कहीं भी हो सकती है। अगर आपको सिर में दर्द है तो आपके दिमाग की नसों में सूजन आई होगी, अगर आपके पेट में दर्द है तो आपके पेट के अंदर कोई स्वेलिंग है, आपको किडनी स्टोन है तो स्टोन की वजह से आपकी जो यूरेटर है, यूरेथ्रा है, वहाँ पे कोई स्वेलिंग आई होगी, या किडनी के कैलिक्स के अंदर, या पूरी किडनी में अपर लोअर लोब के अंदर कहीं ना कहीं उसके अंदर स्वेलिंग आई होगी। तो वो जो इन्फ्लामेशन है ना, इन्फ्लामेशन, एक्यूट इन्फ्लामेशन में बेलाडोना बहुत अच्छा काम करती है, बहुत अच्छा काम करती है। तो अगर इसके अलावा अगर आपको बॉयल्स हुआ है, बॉयल्स क्या होता है, जैसे एक फोड़ा हो जाता है वो पूरा रेड हो जाता है, उसके ऊपर थोड़ी सी पस होती है, मतलब पकने से पहले शुरुआत के अंदर जब वो पूरा लाल होता है और उसको छूने से, थोड़ा सा छूने से बहुत तेज़ दर्द हो रहा हो, उस कंडीशन में बेलाडोना अच्छा काम करती है। इस पर मेरी एक वीडियो है बॉयल्स के ऊपर, अगर आप देखना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और बेल आइकन में दे दूंगा, ये वीडियो है, इसको आप गौर से देखना। उसके अंदर मैंने बेलाडोना के बारे में बताया है कि बेलाडोना क्यों बॉयल के अंदर दी जाती है और किस स्टेज में हमें बेलाडोना देनी है, कब सिलिशिया देनी है, कब हिपरसल्फ देनी है, इसको मैंने स्टेप बाय स्टेप बताया। अगला दोस्तों पिंपल्स के अंदर, कई बार होते हैं ना पिंपल्स बहुत ज़्यादा रेड हो जाते हैं, बहुत पेनफुल होते हैं, उसमें थोड़ी सी पस दिखेगी, थोड़ा सा भी टच करोगे तो बहुत ज़्यादा पेन होगा, एक्ने है, पिंपल्स है, पस्टूल्स है, इन सारी कंडीशन के अंदर जहाँ पे एक्यूट इन्फ्लामेशन है, बेलाडोना बहुत इफेक्टिव दवाई है। पूरे यूट्यूब के अंदर कुछ एक वीडियो शायद एक या दो आपको मिल जाए जिसमें इतनी डिटेल में बारीकी से एक्सप्लेन किया हो बेलाडोना के बारे में, ऐसी कोई वीडियो नहीं मिलेगी आपको कि आपको एक्चुअल में समझा पाए कि बेलाडोना में वायलेंट का मतलब क्या होता है, सडन सिम्टम आते हैं उसका मतलब क्या होता है, राइट साइड अफेक्शन का मतलब क्या होता है, थ्रोबिंग पेन का मतलब क्या होता है, जैसे टस टस करना, ये मेडिकल टर्म्स यूज करते हैं, इसलिए एक आम आदमी जो सीख रहा है होम्योपैथी के बारे में वो समझ नहीं पाता इसके बारे में।
तो मेरा ये मकसद होता था कि मैं आपको डिटेल में, आम भाषा में, साधारण भाषा में आपको समझाऊं, ताकि अगर आप बेलाडोना का इस्तेमाल करने के बारे में सोच रहे हैं तो आपको समझ आ जाए। अब हम बात करते हैं डोज की। वैसे तो मैं रिकमेंड नहीं करता कि कोई भी पेशेंट अपनी मर्जी से बेलाडोना या कोई भी दवाई ले, लेकिन अगर आप लेना चाहते हैं तो इसको एक्यूट केस के अंदर, जहाँ पे कंप्लेंट एकदम से सडन आई है, जैसे सिर दर्द बहुत तेज हो रहा है, अचानक होने लग गया, कोई भी पेन अचानक हो रहा है, आपको लग रहा है कि हाँ ये बेलाडोना है, तो ऐसी कंडीशन में आप बेलाडोना को 1 mg पावर में इस्तेमाल करिए, 4 डोज, 2-2 मिनट के गैप से, और पेन या कोई भी एक्यूट इन्फ्लामेशन वहीं पे स्टॉप हो जाएगी। अगर आप किसी क्रोनिक डिजीज़ के लिए ले रहे हैं और लंबे टाइम तक लेना चाहते हैं, तो आप 7 दिन या 15 दिन से ज़्यादा इस दवा को इस्तेमाल ना करें। सुबह और शाम एक एक बूंद आप 15 दिन तक इस्तेमाल कर सकते हैं लास्ट। इससे ज़्यादा इस्तेमाल करने की सलाह मैं किसी भी बीमारी में आपको नहीं दूंगा। आशा करता हूँ दोस्तों इस वीडियो में जो मैंने जानकारी दी है वो आपको अच्छी लगी हो। ऐसी ही डिटेल्ड वीडियो अगर आपको चाहिए तो मेरे चैनल को चेक कर सकते हैं, उसमें मैंने बहुत अच्छे से बाकी मेडिसिन के बारे में बताया है, और आगे भी ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपके लिए लेके आता रहूँगा। मिलते हैं दोस्तों ऐसी किसी और शानदार इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।